स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं 300 टन के कूलिंग टावर में स्प्रिंकलर असेंबली कैसे चेंज करना है। और अभी हमें इस पर काम करना है। 300 टन का प्लांट ये हमारा है, 300 टन का कूलिंग टावर, और इसकी ये हब असेंबली या स्प्रिंकलर असेंबली भी बोलते हैं इसको। ये हमारी वो टूट गई है, तो अभी हमें इसको चेंज करना है, नई लगाएंगे। और साथ ही साथ इसके हम ये ब्रांच भी नए लगाएंगे और फ्लैपर भी नए लगाएंगे। तो ये हमारे फ्लैपर हैं, चार ब्रांच के लिए चार फ्लैपर हैं ये, और ये फ्लैपर भी हमें उसके साथ ही साथ लगाने हैं। तो आइए चलते हैं कूलिंग टावर की तरफ, देखते हैं इसका क्या स्पेसिफिकेशन, क्या मॉडल है, किस कंपनी का कूलिंग टावर है ये और कितना कैपेसिटी है इसका। ये स्लिप ये लगी हुई है कंपनी की, ये बनाया है डेल्टा ने, ये डेल्टा कूलिंग टावर है डेल्टा कंपनी का, और इसका मॉडल नंबर है 5092 और कैपेसिटी 300 TR। तो अभी जो है हमारे आलम भाई हाई कर दीजिए, आलम भाई जा रहे हैं कूलिंग टावर के ऊपर। ये देखिए, ये इन्होंने यहाँ टैप डोर इसका खोल लिया है जाली का, और अब ये टावर के अंदर जा रहे हैं। ये दोस्तों सबसे पहले हमें इसके ये सपोर्ट खोलने होंगे। सपोर्ट खोलने के बाद जो है हमारी ये ब्रांचों का सपोर्ट हट जाएगा, तो हम ये एलिमिनेटर जो राउंड है इसको हमें हटाना है। तो आलम भाई खोलिए आप, हाँ इसको निकालिए सबको। इसको आप सीधे ऊपर खींच लीजिए और सारी सपोर्ट हटा दीजिए, वो वाली सपोर्ट हटा दीजिए, इसको किनारे रख दीजिए और एलिमिनेटर को भी हटा दीजिए यहाँ से। ये दोस्तों ये हमारी असेंबली है, और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये देखिए यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, तो इसलिए हमें इसको चेंज करना पड़ रहा है। और क्योंकि हमने नया पूरा सेट मंगवाया है, तो हम फ्लैपर के साथ में फ्लैपर ब्रांच और असेंबली तीनों चीज़ चेंज करेंगे। तो अभी हम खोलने के बाद आपको फिर दिखाते हैं इसको, अभी हमें खोलना कैसे है। अभी हम लोग ये फ्लैपर खोल रहे हैं, और अभी एक ब्रांच का हमने फ्लैपर खोल लिया है, बाकी के अब ये खोल लेंगे चारों। सारे फ्लैपर खुलने के बाद तब हम ब्रांच खोलेंगे।
अभी ये असेंबली हमारी फिट हो गई है और अब इसका हमें ब्रांच लगानी है। इसके बाद हम ब्रांच लगाने जा रहे हैं इसमें। ये अभी ब्रांच टाइट कर रहे हैं। रुक जाइए, क्या बड़ा बट ये नाम यार के निकल नहीं पाते यार, उठाना उनका जरूर दे रहे, हाथ लगाए हैं। चांस अब ये कुछ ज्यादा। अभी हमारा जो है ब्रांच हमने फिट कर ली है और इसके बाद हमें फ्लैपर और सपोर्ट लगानी है यहाँ के लिए, जो इस ब्रांच को लटकने से रोकेगी। तो अभी हम टावर से बाहर आ गए हैं और सब कंप्लीट हो गया है टावर हमारा। इसके बाद जो है हम इसमें ग्रीसिंग कर इसलिए कर दे रहे हैं अभी, क्योंकि इसमें पानी चलता है तो बाद में रस्टिंग हो जाती है तो ये खुलते नहीं है, इसके लिए ग्रीसिंग कर लेना अच्छा रहता है। अभी हमने इसका सब कुछ लगा दिया है, डोर और सब क्लोज कर दिया है। अब इसको हम टावर को चला के देखेंगे कि इस सही मूवमेंट है या नहीं है इसमें। तो अब इसको हम चलाने जा रहे हैं। अभी हमारा एक पंप हमने चलाया है तो इसकी ये रोटेशन आ गई है। अभी दोनों पंप चला के देखेंगे कि रोटेशन कितनी।